हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब एक ऐसी खबर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इसकी एक वजह है स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में किया गया एक बड़ा बदलाव। क्या है वो बदलाव, ये रिपोर्ट बताई गया। ये अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं। जो लोग अस्पताल की गेट से बाहर आ रहे हैं वो कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन अब इन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया गया। इनमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब शामिल हैं। सिविल अस्पताल से एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा मरीजों को एक साथ छुट्टी दे दी गई, और ऐसा संभव हुआ स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक। कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसमें 3 अलग अलग तरह के मरीजों के लिए अलग अलग डिस्चार्ज और टेस्टिंग नियम बनाए गए हैं। पहले जहां सब मरीजों को डिस्चार्ज करने से पहले RT-PCR टेस्ट किया जाता था, अब उस नियम को बदल दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक माइल्ड यानी हल्के लक्षण वाले मरीजों को 3 दिन तक बुखार नहीं आया तो 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी। थोड़े गंभीर लक्षण वाले मरीजों का बुखार अगर 3 दिन में उतर जाता है और अगले 4 दिन तक मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 95% से ज्यादा रहती है तो ऐसे मरीजों को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। वहीं तीसरी कैटेगरी ऐसे गंभीर मरीजों की है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, उन्हें लक्षण दूर होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसप्लांट, HIV पेशेंट या गंभीर बीमारी वाले पेशेंट भी जब तक क्लिनिकली रिकवर नहीं होते हैं और इनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आता है, इन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को अगले 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा, जो पहले 14 दिन का था। इस दौरान अगर फिर से लक्षण दिखे तो कोविड केयर सेंटर या हेल्पलाइन पर कॉन्टेक्ट करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको दुनिया भर का आंकड़ा दिखा देते हैं। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमण से क्या हालात पैदा हुए हैं वो आपको बता देते हैं नक्शे के जरिए। दुनिया का नक्शा आपके सामने होगा थोड़ी देर में और आपको बताएंगे किस तरह से पूरी दुनिया में 41 लाख से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। ये देखिए, अमेरिका 13,66,760 मरीज अब तक सामने आए, 80,757 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। स्पेन 2,64,663 मरीज सामने आए हैं, 26,621 लोगों की अब तक स्पेन में मौत हो चुकी है। इटली में 2,19,070 मरीज सामने आए हैं, 30,560 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर इटली सबसे ज्यादा प्रभावित देश हो गया है। अब फ्रांस 1,76,970 मरीज सामने आए हैं, 26,380 मरीजों की यहां पर मौत हो चुकी है। जर्मनी आपको बता रहे हैं 1,71,879 मरीज अब तक सामने आए हैं, 7,569 अब तक लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में 31,855 लोगों की मौत हुई है, 219,183 मरीज सामने आए। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतों वाला देश अब ब्रिटेन हो गया है। भारत 62,939 मरीज है और 2,109 लोगों की मौत हुई है।